श्री दाऊदयाल महिला महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त मदिरा मुक्ति अधिवेशन एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन कोडला चुंगी रोड स्थित दाऊदयाल महाविद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त आगरा सुनील वाजपेयी रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती माला रजदुगी, विशिष्ट अतिथियों में जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती ऋतु गोयल, जिला अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान, जीएस यूनिवर्सिटी सुकावाद के सुकेश यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लखनऊ के प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, ग्रीन मैन गाजियाबाद से विजयपाल सिंह बघेल, दुर्गेश ग्रुप से ललितेश जैन, किड्स कॉर्नर स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक भंडागर, मनोवैज्ञानिक आगरा डॉक्टर महेश भार्गव, पूजा ग्रुप से आशीष अग्रवाल आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान में सहयोगी शिक्षण संस्थाओं के नशा मुक्ति प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम संचालक आगरा से एलिस अवस्थी, अहमदपुर से डॉक्टर अरुण उपाध्याय रहे। आयोजक मंडल में महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल, विशेष संयोजक शिल्पी जैन, समिति सचिव सत्येंद्र जैन सोली, प्राचार्य डॉक्टर विनीता गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ऋतु नारंग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र जैन गप्पू, डॉक्टर डीपीएस राठौर आदि मौजूद रहे। छात्राओं ने मंच पर विभिन्न जागरूकता प्रस्तुति नशा मुक्ति को लेकर दी। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपसे। इससे आप इस संस्थान से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान में काम करें, यही मेरी आपसे कामना है। उन लोगों को यही संदेश है कि ये सब ना करें, ये सब बुरी आदतें हैं, इनको करने से शरीर को नुकसान ही पहुँचता है। लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा जैसा कि मदिरा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इस अभियान को लगातार गति मिल रही है और उसी को लेकर आप यहां पर एक अधिवेशन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस अधिवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के लिए आप लोगों ने देखा भी कि सभी लोगों ने हाथ उठाकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश में शराब के उत्पादन, शराब की बिक्री और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही जागरूक ये किया जा रहा है कि जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं उनको हम लोग इलाज बताएं और उनको अपने मुख्य धारा में लें और मुख्य धारा में लेने के साथ वो नशों से जिसनों से छूटें। साथ ही जागरूक किया जा रहा है कि शराब का सेवन ना करें जिससे नई शराबी समाज में पैदा ना हो। तो ये तीनों ही मोर्चों पर इस अधिवेदन के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त सब मिलकर करें। इसमें उन बच्चों का भी सम्मान है जहां जिन विद्यालयों में प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए थे, विभिन्न प्रतियोगिताएँ पूरे करीब 125 कार्यक्रम यहाँ फिरोजाबाद जिले के अंदर किए गए, आगरा में किए गए, तो उन लोगों को भी बुलाकर यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। तो ये उद्देश्य।